कॉर्लिस वेलेरियन, वेस्टरोस के इतिहास का सबसे लेजेंडरी शिप कैप्टन। हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में हमें देखने मिलता है कि कॉर्लिस वेलेरियन किंग विसेरिस के स्मॉल काउंसिल में मास्टर ऑफ शिप्स है। कॉर्लिस का हाउस वेलेरियन इस टाइम पीरियड में वेस्टरोस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट हाउस होता है। तो आखिर लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को इतना रिस्पेक्ट कैसे मिलता है और उन्होंने ऐसे क्या कारनामे किए जिसके कारण हाउस वेलेरियन वेस्टरोस का इतना रिचेस्ट हाउस बनता है, यह सब कुछ आज के इस कॉर्लिस वेलेरियन स्टोरी में जानी है। तो दोस्तों, कॉर्लिस वलीरिया से आए हुए हाउस वेलेरियन से बिलोंग करता है। तो क्या रही इस हाउस वेलेरियन की दास्तान? तो माना जाता है कि यह हाउस वेलेरियन एक्चुअली हाउस टारगेरियन से भी पुराना हाउस है, मगर उन्हें कभी भी वेलेरिया में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। हाउस वेलेरियन वलीरिया के शहर में एकदम ही निचले कैटेगरी के हाउस माने जाते थे, क्योंकि वो कभी भी ड्रैगन राइडर्स नहीं बने। एक्चुअली इन वेलेरियंस की हमेशा से ही समुंदर से दोस्ती रही थी। हाउस वेलेरियन वेस्टरोस के पश्चिमी इलाके के एक आइलैंड पर कब बसे वो एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये माना जाता है कि हाउस वेलेरियन एक्चुअली टारगेरियंस के पहले ही उस आइलैंड पे आए थे, ना कि उनके बाद में। अप्रोक्सीमेटली वेलेरियंस यही कुछ 200 BC में इस वेस्टरोसी आइलैंड पर आके बसे थे। हाउस वेलेरियन जब इस आइलैंड पे रहने लगे तब उस आइलैंड का ऐसा कोई नाम नहीं था, बट कुछ ही टाइम में वेलेरियंस ने अपने आइलैंड को ड्रिफ्ट मार्क कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस आइलैंड के किनारे हाई टाइड के वजह से भर भर के ड्रिफ्ट वुड्स आते थे। ड्रिफ्ट वुड माने समुंदर में यहां वहां तैरने वाली लकड़ी, यानी कि ड्रिफ्ट करने वाला वुड, दैट इज ड्रिफ्ट वुड। ड्रिफ्ट मार्क के आइलैंड पे आते ही वेलेरियंस ने उनका कैसल बनवाया और उसका नाम लिटरली उन्होंने कैसल ड्रिफ्ट मार्क ही रख दिया। जो भी पूरे ड्रिफ्ट मार्क के आइलैंड पर इस कैसल ड्रिफ्ट मार्क पे से रूल करता था उसे लॉर्ड ऑफ टाइड्स का टाइटल मिलता है। ड्रिफ्ट मार्क के आइलैंड पर बार बार हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती रहती है, इसीलिए यहाँ के वेलेरियन लीडर को ऐसे लॉर्ड ऑफ टाइड्स कहने लगते हैं। हाउस वेलेरियन इस आइलैंड पर यही कुछ 80 साल के लिए राज करता है और इस रीजन में वो कुछ हद तक पावरफुल बनने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे जहाज थे जिससे वो वेस्टरोस के कुछ रीजन्स में और एसोस के फ्री सिटीज के साथ अच्छे से ट्रेडिंग और बिजनेस करने लगे। इस टाइम पीरियड में ही ड्रिफ्ट मार्क पर स्पाइस टाउन नाम का एक टाउन बहुत ही पॉपुलर हुआ और इस स्पाइस टाउन की आबादी तेजी से बढ़ी थी। एज द नेम सेज, इस टाउन में स्पाइसेस यानी कि मसाले बहुत मिलते थे। इस स्पाइस टाउन में दुनिया भर से अलग अलग किस्म के मसाले आते और उनका ट्रेडिंग, उनका बिजनेस यहाँ पे किया जाता। ऐसे ही कैसल ड्रिफ्ट मार्क के नजदीक और एक टाउन डेवलप होता है जहाँ पर सभी जहाज एक तरीके से पार्क किए जाते थे। इस टाउन को हल कहने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे शिप्स के हल्स दिखाई देते हैं। सो ऐसे स्पाइस टाउन और हल जैसे कुछ मीडियम साइज टाउन्स के कारण ड्रिफ्ट मार्क अच्छे से डेवलप होने लगता है। इवेंचुअली जब 112 BC में टारगेरियंस नजदीक बसे हुए ड्रैगन स्टोन के आइलैंड पे आते हैं तब उनके और वेलेरियंस के बीच में अच्छे से दोस्ती होती है, क्योंकि वो वेलेरिया के दिनों से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। टारगेरियंस उनके ड्रैगन वेलेरियन के कारण एक तरह से वेलेरियंस के बॉडीगार्ड्स बनते हैं और वेलेरियंस टारगेरियंस के लिए अपने बिजनेस और ट्रेडिंग के जरिए खाने का यानी कि अनाज का बंदोबस्त करते हैं। हमें तो पता है कि ड्रैगन स्टोन के अजीब से आइलैंड पर ज्यादा खेती नहीं होती और ना ही ड्रैगन स्टोन के समुंदर में कुछ फिश मिलती है। सो सालों तक सिर्फ वेलेरियंस के कारण ही टारगेरियंस को खाना मिला था। ऑब्वियसली वेलेरियंस और टारगेरियंस ने अपने अच्छे प्रोफेशनल रिश्तों को पर्सनल भी बनाया और दोनों हाउसेस के बीच में ढेर सारी शादियां हो गई। ऐसे ही एक शादी लॉर्ड एरियन टारगेरियन और लेडी वेलेना वेलेरियन के बीच में हुई थी और हम तो जानते हैं कि इनका ही बेटा था एगोन द कॉन्करर। सो अराउंड 2 BC एगोन ने वेस्टरोस की कॉन्क्वेस्ट शुरू की थी और इस कॉन्क्वेस्ट के लिए एगोन ने वेलेरियंस के जहाजों का ही इस्तेमाल किया था। वो हाउस वेलेरियन के ही शिप्स थे जिससे छोटी टारगेरियन और उनके सपोर्टर्स की आर्मी एगोन लेके वेस्टरोस में आता है और इसीलिए आगे जब एगोन किंग बनता है तब डेमोन वेलेरियन 1 को मास्टर ऑफ शिप्स बनाया जाता है और फिर कुछ ही सालों के बाद में डेमोन वेलेरियन 1 के बेटे कॉर्लिस वेलेरियन 1 को एगोन द कॉन्करर का फर्स्ट लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड भी बनाया जाता है। बट ये वाला कॉर्लिस अपने कहानी का कॉर्लिस नहीं है। आगे ऐसे ही हाउस वेलेरियन की फैमिली ट्री काफी बढ़ती है और इवेंचुअली फिर ऐसे ही 50 साल के बाद में 53 AC में अपने कॉर्लिस वेलेरियन का जन्म होता है और अपने इस कॉर्लिस का नाम कॉर्लिस रखा जाता है फर्स्ट एवर लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड कॉर्लिस वेलेरियन
के नाम पे है। छोटा कॉर्लिस वैलेरियन बचपन से ही हल के बंदरगाह पे पार्क शिप्स को देखने जाता था और वो इन जहाजों से और खास करके समुन्दर से कब प्यार करने लगा वो उसे पता ही नहीं चला। कॉर्लिस का यही समुन्दर और जहाजों से अट्रैक्शन देखकर सिर्फ 6 साल के कॉर्लिस को उसके अंकल पेंटोस में लेके गए थे। छोटा कॉर्लिस अपने पहले समुद्री सफर से बेहद खुश होता है और उसे अब बार बार जहाजों पे कुछ ना कुछ सीखने जाना होता था। बट छोटे कॉर्लिस को डायरेक्टली उसके माता पिता ऐसे ही जहाज पे जाने से रोकते थे। जहाज पे सीधा सेलर बनने के पहले पढ़ाई करनी जरूरी थी, इसीलिए बिलीव इट और नॉट सिर्फ 6 साल के उम्र से लेके 8 साल की उम्र तक कॉर्लिस वैलेरियन समुन्दर और जहाज के बारे में पूरी पढ़ाई कर देता है। ये कॉर्लिस मतलब लिटरली चाइल्ड प्रोडिजी था। इतने यंग उम्र में ही कॉर्लिस समुद्र के टाइड्स, जहाज के पूरे क्रू, कंपास कैसे यूज करते हैं वो, हवा का रुख शिप्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है और ऐसी ढेर सारी शिप्स और समुद्र को लेके चीजें सीख लेता है, वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में। कॉर्लिस कैसल ड्रिफ्टमार्क का प्रिंस था तो ऑब्वियसली कुछ एक से बढ़कर एक शिप के कैप्टन्स उसे उनका नॉलेज देते हैं और कॉर्लिस ने बस 3 सालों में यही कुछ 9 साल की उम्र तक लिटरली सब कुछ थियोरेटिकल ज्ञान लेके रखा था। बट अभी प्रैक्टिकल करने की पारी थी, अभी कॉर्लिस को खुद वहां पे जाके सब सीखना था। वैसे तो कॉर्लिस हमेशा ही हल के बंदरगाह पे जाता रहता था और जहाजों में घूमता रहता। कॉर्लिस को बचपन में ही पता था कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है। उसे एक शिप का लेजेंडरी कैप्टन बनना था और पूरी दुनिया घूमनी थी। बट ऐसे सपने तो सभी देखते हैं, बट इन सपनों को हकीकत वही बनाता है जिसमें एक अलग जज्बा होता है। कॉर्लिस कैसल ड्रिफ्टमार्क का वारिस था और वो फ्यूचर लॉर्ड ऑफ टाइड होने वाला था। बट ऐसे प्रिंस होके भी उसने कभी भी अपने प्रिंस होने का एटीट्यूड नहीं दिखाया और उसने सिर्फ 9 साल के उम्र में ही जहाजों पर काम करना शुरू किया। जहाजों के कैप्टन्स और उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे जो भी कहते थे वो काम कॉर्लिस करता रहता। उसने जहाज के मास्ट्स क्लाइंब किए, ही टाइड द नॉट्स, ही पुल्ड ओर्स ऑफ द शिप, उसने शिप के सेल्स को ऊपर नीचे किया, अगर कहीं पे लीक होता है तो वो कैसे ठीक किया जाता है वो भी अच्छे से सीखा और वो उसने बार बार किया। और तो और उसने इवन जहाज में कचरा साफ किया और अपने साथियों के कपड़े भी धोए। He also manned the crow's nest, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। And then he learned to navigate and steer the wheel. So 9 से 16 साल के उम्र तक कॉर्लिस ज्यादा से ज्यादा गर्ल टाउन और सनस्पियर के बंदरगाह पे ऐसे ही शिप्स में से जाते रहा था। बट इन सालों में उसने अलग अलग शिप्स पर अलग अलग एक्सपीरियंस वाले कैप्टन्स और सेलर्स से ढेर सारी चीजें सीखी। इन यही कुछ 7 सालों में कॉर्लिस वैलेरियन ने सेलर बनने में एकदम महारत हासिल कर ली थी और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने इतनी पहचान और इज्जत कमा ली थी कि वो अपना खुद का एक क्रू खड़ा कर सके। सिर्फ 16 साल की उम्र में कॉर्लिस ने अपना एक टीम बनाया और अपना पहला मीडियम साइज जहाज खरीदा जिसका उसने नाम रखा कॉर्ड क्वीन। सिर्फ 16 साल के उम्र में कॉर्लिस कॉर्ड क्वीन जहाज का कप्तान बना था और उसने अपने एक से बढ़कर एक जर्नी शुरू कर दिए। अगले 4 साल कॉर्लिस अपने कॉर्ड क्वीन जहाज को लेके सनस्पियर, ओल्ड टाउन, लैनीस्पोर्ट, आर्बर और इवन ऑल द वे टू द आयरन आइलैंड्स तक वो गया। इन सब सेलिंग ट्रिप्स में कॉर्लिस का वेस्टेरोस के सभी पोर्ट सिटीज में एक अलग ही कनेक्शन हो गया था और उसे वेस्टेरोस के सभी बंदरगाह पे अभी लोग पहचानने लगे थे। बट सिर्फ वेस्टेरोस में बिजनेस करके कॉर्लिस कैसे रुकेगा? कॉर्लिस के कॉर्ड क्वीन जहाज ने नैरो सी को भी आसानी से क्रॉस कर लिया और कई बार लीस, मीर, टायरोश और पेंटोस के शहरों को विजिट किया। अब कई लोगों को लगे कि कॉर्लिस इतने सारे अलग अलग बंदरगाह पे जाता था और बिजनेस करता था, मतलब एग्जैक्टली वो क्या करता होगा? तो बेसिकली कॉर्लिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगा था। वेस्टेरोस का इकोनॉमिक्स वैसे सिंपल है, अगर समझो किसी एक शहर में एक कपड़ा एक गोल्डन ड्रैगन को खरीदते हो तो उसी कपड़े की दूसरे शहर में 10 गोल्डन ड्रैगन की कीमत हो सकती है। तो यही है एक सिंपल
सा बिजनेस मॉडल। मैंने जैसे अभी आपको एक ड्रेस का एग्जांपल दिया, वैसे ही कई अलग सारे बर्तन, वाइन, वेपन्स, जूते, बुक्स और ऐसे कई सारे चीजें थी जिसकी कॉर्लिस ट्रेड कर सकता था, और ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ऐसे जहाजों के कारण ही हो सकती थी। और तो और ऑब्वियसली जहाज के कारण ट्रैवलर्स को भी अलग अलग सिटीज में जाने मिलता है, बट कॉर्ड क्वीन में कॉर्लिस ट्रैवलर्स को कभी भी नहीं लेता, उसका जहाज सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए था। सो नोन वर्ल्ड में ऐसे सी कैप्टन्स को बहुत रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस मिलता है। सो इतने सारे सक्सेसफुल ट्रिप्स के बाद में 23 ईयर ओल्ड कॉर्लिस ने अपने हाउस वेलेरियन के लिए काफी सारा पैसा कमाया था, बट अभी भी वेलेरियंस बाकी रिच हाउसेस लैनिस्टर्स और टायरल्स के सामने कुछ भी नहीं थे। एट द एज ऑफ 23 कॉर्लिस ने और एक शिप खरीद लिया और उसे उसने लंबे वॉयजेस के लिए मॉडिफाई किया। ये शिप थी समरमेड। कॉर्लिस और उसका अब थोड़ा सा बड़ा हुआ क्रू इस समरमेड जहाज से पहले तो समर आइलैंड्स पे जाते हैं। वहां पर जाते समय कॉर्लिस स्टेपस्टोन्स के आइलैंड पे भी रुकता है, और कॉर्लिस का अंदाज ही ऐसा था कि स्टेपस्टोन्स के पूरे पायरेट कम्युनिटी में उसे अलग सा रिस्पेक्ट मिलने लगता है। ये स्टेपस्टोन्स के पायरेट्स कोई भी जहाज लूट लेंगे, बट ये कॉर्लिस के शिप्स को कभी भी तंग नहीं करते। कॉर्लिस पहले तो समर आइलैंड से भर भर के एक्सोटिक चीजें ड्रिफ्ट मार्क पे लाता है, और उसके बाद में कॉर्लिस अपने समर मेड जहाज को वोलांटिस के फेमस पोर्ट सिटी पे लेके जाता है। समर सी में ऐसे ही कुछ वोयेजेस करने के बाद में कॉर्लिस को अब जाना था नॉर्थ में, और इसके लिए उसने और भी एक बड़ा जहाज बनवाया। कॉर्लिस ने इस जहाज को ऐसा मॉडिफाई किया कि ये जहाज बर्फीले कंडीशंस में बराबर से सेल कर सके। इस जहाज का उसने नाम रखा था आइस वुल्फ। कॉर्लिस अपने तगड़े आइस वुल्फ के जरिए ब्रावोस, लोराथ और इवन सेक्लूडेड आइलैंड ऑफ इब्बन पे भी गया था। इस पोर्ट ऑफ इब्बन के बारे में तो वेस्टरोसी लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। इस आइलैंड पे जाने वाला कॉर्लिस लिटरली फर्स्ट एवर वेस्टरोसी बना था। ऐसे कुछ लेजेंडरी आइस वुल्फ वॉयजेस के बाद में कॉर्लिस कुछ अजीब ही ख्वाब देखने लगा था। उसका मानना था कि जैसे वेस्टरोस के आइलैंड को नीचे डॉर्न के यहाँ पे घूमकर लैनिस पोर्ट या फिर आइलैंड तक जा सकते हैं, वैसे ही हम वेस्टरोस के ऊपर से भी घूमकर आयरन आइलैंड्स पे जा सकते हैं, ऐसा उसका कुछ मानना था। सो इस डेडली प्लान के साथ में कॉर्लिस आइस वुल्फ को लेके नॉर्थ में निकलता है, और वो पहले वॉल के ईस्ट वॉच बाय द सी के बंदरगाह पे रुकता है। वहां पर उसे नाइट्स वॉच के लोग आगे जाने से मना करते हैं, बट कॉर्लिस उनकी एक नहीं सुनता। कॉर्लिस अपने आइस वुल्फ शिप को लेके बियॉन्ड द वॉल सीधा हार्ड होम के बंदरगाह पे चला जाता है, और वहां के वाइल्डिंग के साथ में वो सीधा नाश्ता पानी करता है। ये हार्ड होम वाले वही लोकेशन है जहां पर नाइट्स किंग का गेम ऑफ थ्रोन्स में एपिक हमला हुआ था, और हमें आइकॉनिक नाइट्स किंग वर्सेस जॉन स्नो वाला फेस ऑफ देखने मिला था। सो जस्ट इमेजिन, हार्ड होम में रहने वाले वाइल्डिंग के साथ भी कॉर्लिस वेलेरियन ने दोस्ती कर डाली थी। ये वाइल्डिंग साउथ से आने वाले सभी को काट देते हैं, बट कॉर्लिस का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उसे अपना लेते हैं। यहाँ पर हार्ड होम में कुछ दिन रहने के बाद में कॉर्लिस वेलेरियन आगे और नॉर्थ में निकलता है, और धीरे धीरे उसे और भी ज्यादा बर्फीले समुन्दर को फेस करना पड़ता है। कहते हैं आइस वॉच का बैटरिंग रैम बहुत ही ह्यूज था, और ये शिप बर्फ को तोड़ के आगे निकलने लगती है। इवेंचुअली कॉर्लिस ऐसे टेरिटरी में पहुंचता है जहां पे इतिहास में कोई भी इंसान बाद में कभी नहीं पहुंचा, और ना ही उसके पहले कभी पहुंचा था। बट यहां पे उसके सामने कुछ बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। इवेंचुअली यहां पर उसके सामने सीधा बड़े बड़े आइस माउंटेन्स आ जाते हैं जिसके वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। कॉर्लिस अपने क्रू के साथ में वापस लौट के ड्रिफ्ट मार्क पे आता है, और अभी वो यही कुछ 26 साल का हुआ था, और उसने लिटरली पूरी दुनिया देख ली थी। उसके इन लेजेंडरी वॉयजेस के बारे में सभी को पता था, और हाउस वेलेरियन अब काफी पावरफुल भी हो गया था। इस समय बैडएस कॉर्लिस आराम से शादी करके सेटल हो सकता था, बट कॉर्लिस को अभी और भी दूर जाना था, उसे और भी बड़ी वॉयज करनी थी। इसीलिए उसने एक जहाज बनाया, द सी स्नेक। इसके पहले के जहाज कॉर्लिस ने खरीदे हुए थे, और उसने उन्हें
मॉडिफाई किया था, बट सी स्नेक ऐसा उसका पहला जहाज था जो कॉर्लिस ने पूरा बनवाया। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से कॉर्लिस को एक जहाज कैसे बनवाया जाता है वो ऑब्वियसली पूरी तरीके से मालूम था, और उसने अपना यही नॉलेज यूज करके सी स्नेक के जहाज को डिजाइन किया। ये सी स्नेक का जहाज एक मैसिव जहाज था जिसे देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे। यही कुछ 1.5 साल तक सी स्नेक का काम हल के बंदर का पे अच्छे से किया जाता है, और फाइनली कॉर्लिस वेलेरियन अपने पहले लेजेंडरी सी स्नेक के वोयाज पे निकलता है। कॉर्लिस इस बार वोलेंटिस तक तो जाता ही है, बट फिर वो उसके आगे कार्थ के सिटी तक पहुंचता है। वेस्टरोस के सभी लेजेंडरी कैप्टन्स इस कार्थ के सिटी को अपना लास्ट स्टॉप मानते हैं, और उसके आगे क्या है ये किसी को ज्यादा पता नहीं था। इवन अगर कोई इसके आगे जाता भी था तो उनके लौट के आने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि वो बहुत ही खतरों से भरा इलाका था। बट अपना बैडएस कॉर्लिस कार्थ के फेमस जेड गेट्स के बीच में से रास्ता बनाकर कार्थ के भी बियॉन्ड एसोस के फार ईस्ट के रीजन में जाता है, जहां पर यीटी और आइलैंड ऑफ लेंग का बसेरा है। हिस्ट्री में पहली बार कोई वेस्टरोसी कैप्टन इस रीजन में पहुंचा था। इन जगहों पर बिजनेस करने से कॉर्लिस का प्रॉफिट 1000 गुना ज्यादा बढ़ता है, और वो ढेर सारा सोना लूट के ड्रिफ्टमार के आइलैंड पे लौटता है। सी स्नेक जहाज के इस लेजेंडरी वोयाज के बारे में सभी को पता चलता है, और वेस्टरोस में कॉर्लिस वेलेरियन को ही लोग सी स्नेक कहने लगते हैं। अब हाउस वेलेरियन के पास में इतना सोना और पावर तो आ ही गया था कि वो वेस्टरोस के टॉप 5 हाउसेस में से एक थे, बट कॉर्लिस के एंबिशंस और भी ज्यादा थे। उसे अब आइलैंड ऑफ लेंग के भी आगे जाना था, और इन्हीं एंबिशंस के साथ में सी स्नेक अपने सेकंड वोयाज पे निकलता है। इस बार वो आइलैंड ऑफ लेंग पे रुकता है, और उसके आगे नोन वर्ल्ड के सबसे भयानक सिटी मिस्टीरियस अशाई बाय द शैडोज के शहर में पहुंचता है। ये शहर मतलब पूरे नोन वर्ल्ड का अजीब सा शहर, जहां पर हजारों लोग कुछ काली जादू करते हैं, और कहते हैं कि ये सिटी माने सभी धर्मों के शैतानी पावर्स का एक अजीब सा सेंटर है। इस सिटी में कभी सूरज की किरणें ही नहीं आती, यहाँ पे हमेशा धुंधली सी एक कुछ रात होती है। इस मिस्टीरियस अशाई बाय द शैडोज के बारे में एक प्रॉपर अलग से इन डेप्थ डेडिकेटेड वीडियो तो बनता ही है, इसीलिए और मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बट आप बस इतना जान लो कि यहां से इवेंचुअली कॉर्लिस लॉट के ड्रिफ्ट मार्क पे तो आता है। उसके क्रू में से आधे से ज्यादा लोग मर गए थे, उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और तो और सडनली कॉर्लिस का लव फॉर सेलिंग और जहाज से प्यार अचानक से चला जाता है। जिस कॉर्लिस को बचपन से जहाज और समुंदर का इतना प्यार था, उसका प्यार अचानक से खत्म हो जाता है। पता नहीं अशाई में ऐसा क्या हुआ था। एक साल के लिए कॉर्लिस वेलेरियन एकदम डिप्रेशन में होता है, बट इवेंचुअली सी स्नेक कॉर्लिस अपने थर्ड वोयाज के लिए निकलता है, और इस बार वो 1000 आइलैंड के अजीब से रीजन में पहुंचता है। यहाँ के लोग ऐसे कुछ हरे कलर के होते हैं, सो आप समझ ही सकते होंगे कि ये भी कुछ अजीब सी मिस्टीरियस जगह है। अब ये भी ऐसी जगह है जिसके बारे में कभी मैं और एक इनडेप्थ वीडियो बनाऊंगा। अभी कॉर्लिस के स्टोरी में इनके बारे में और ज्यादा नहीं जानते हैं तो ही अच्छा है। सो इन अजीब से 1000 आइलैंड्स में पहुंचने वाला भी कॉर्लिस फर्स्ट एवर वेस्टरोसी रहा। कॉर्लिस वेलेरियन ने अपने लेजेंडरी जहाज सी स्नेक से ऐसे ही कुल मिला के टोटल 9 वॉयजेस किए थे, जिसके बारे में सिटाडेल में द 9 वॉयजेस नाम की एक बुक भी है जो किसी मेस्टर मैथिस ने लिखी है। फायर एंड ब्लड में हमें कॉर्लिस के टोटल 9 वॉयजेस में से सिर्फ 4 वॉयजेस के बारे में ही जानकारी मिलती है। पहले 3 वॉयज तो मैंने आपको बता दी, बट सी स्नेक की फाइनल 9th वॉयज रही थी कार्थ की सिटी में। और इस बार कॉर्लिस वेलेरियन सी स्नेक के साथ साथ और 22 शिप्स को लेके कार्थ में जाता है, ताकि वो भर भर के सोना चांदी और बहुत सारा सामान ला सके। इवेंचुअली कॉर्लिस के 22 जहाजों में से 14 जहाज कार्थ से भर भर के सोना चांदी, मुलायम कपड़े, एक्सोटिक मिनरल्स और ढेर सारी ऐसी चीजें लाता है जिसके बारे में वेस्टेरोस के हाउसेस ने कभी सपने भी नहीं देखे होंगे। इतना
इतना सोना स्टेपस्टोन्स के इलाके में से लाना मतलब खतरे से कम नहीं होता, क्योंकि वो पायरेट से भरा इलाका है। बट पायरेट्स के मन में सी स्नेक को लेके एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट था। पायरेट सी स्नेक पे क्या ही हमला करेंगे। उल्टा जब सी स्नेक स्टेपस्टोन से जाता है तभी सभी पायरेट्स उसे एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। कॉर्लिस के जाबा जी के बारे में दुनिया भर में सभी को पता था और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसे वेस्टरोसी कॉर्लिस वेलेरियन का नाम पता नहीं होगा। हम जो ये पूरा इतना मैप देख रहे थे वो पूरा मैप कहते हैं एक्चुअली कॉर्लिस वेलेरियन की वजह से बना, क्योंकि पहले कार्थ तक का मैप तो सबको पता था बट कार्थ के आगे का मैप, ऊपर थाउजेंड आइलैंड्स का मैप, पोर्ट ऑफ इब्बन तक का मैप, ये सब कॉर्लिस वेलेरियन के वजह से बना था। इवेंचुअली कॉर्लिस वेलेरियन के इन 9 वोयेजेस के बाद में उसके पास इतना सोना होता है कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। कॉर्लिस जब कैसल ड्रिफ्टमार्क पे रहने लगता है तब वो समझता है कि कैसल ड्रिफ्टमार्क अब बहुत ही पुराना कैसल बन गया है और वो लॉर्ड ऑफ टाइड्स के लिए रहने के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं है। इसीलिए कॉर्लिस और एक कैसल बनवाता है जिसका वो नाम रखता है हाई टाइड। लॉर्ड ऑफ टाइड्स कॉर्लिस वेलेरियन इवेंचुअली इस कैसल ड्रिफ्टमार्क से अपने हाई टाइड के कैसल में शिफ्ट हो जाता है। जब 36 ईयर ओल्ड कॉर्लिस वेलेरियन यहां से रूल करने लगता है तब उसके हाउस वेलेरियन के पास में लैनिस्टर्स, टायरेल्स और हाई टावर से भी बहुत ज्यादा पैसा आ गया था और उसके हाउस वेलेरियन की पावर 7वें आसमान पे चली गई थी। जैसे कि मैंने कहा कॉर्लिस वेलेरियन अभी यही कुछ 36 ईयर ओल्ड था और अभी उसे फाइनली सेटल होना था। उसने पूरी दुनिया देख ली थी, अब वो अपने खुद के बच्चे चाहता था। वेस्टेरोस के कई सारे लॉर्ड्स कॉर्लिस वेलेरियन को उनके कैसल पर आने का न्योता देते थे यही सोच के कि कॉर्लिस उनके प्रिंसेसेस के साथ में शादी करेगा। आफ्टर ऑल कॉर्लिस वेलेरियन वेस्टेरोस का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। कॉर्लिस भी अपना एक अलग सा स्वैग लेके वेस्टेरोस के कई सारे अलग अलग कैसल्स को विजिट करता रहता और ऐसे ही एक बार वो शील्ड आइलैंड्स में किसी वेस्टेरोसी कॉन्फ्रेंस में जाता है। यहां पर साक्षात ओल्ड किंग जहेरिस भी आने वाले थे और कॉर्लिस को उम्मीद थी कि वो किंग जहेरिस के साथ मिल सके। कॉर्लिस का पूरे दुनिया में कितना भी बड़ा नाम रहे बट वेस्टेरोस का राजा ओल्ड किंग जहेरिस भी कुछ कम नहीं था। इवेंचुअली किंग जहेरिस और कॉर्लिस की मुलाकात होती है और इस मीटिंग में ओल्ड किंग जहेरिस के साथ में उनकी पोती खूबसूरत रेनिस टारगेरियन भी होती है। अब यहां पर बैड एस कॉर्लिस और खूबसूरत रेनिस के बीच में क्या आंख मिचोली हुई पता नहीं बट एक हफ्ते के बीच में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में ओल्ड किंग जहेरिस वापस किंग्स लैंडिंग लौटने वाले होते हैं तभी कॉर्लिस वेलेरियन रेनिस का हाथ शादी में मांगते हैं और ओल्ड किंग जहेरिस तो खुशी खुशी में हाँ कह देते हैं। बस इतना ही नहीं ओल्ड किंग जहेरिस तो कॉर्लिस वेलेरियन को मास्टर ऑफ शिप्स भी बनाते हैं और इसी के साथ साथ कॉर्लिस की शादी रेनिस टारगेरियन से की जाती है और कॉर्लिस अब किंग्स लैंडिंग में शिफ्ट होता है। यही पर उसे एक बेटी लेना वेलेरियन होती है और इवेंचुअली ओल्ड किंग जहेरिस के मरने के बाद में कॉर्लिस वेलेरियन अगले राजा किंग विसेरिस के स्मॉल काउंसिल में भी मास्टर ऑफ शिप्स बनता है जो हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देख ही सकते होंगे। तो दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में मास्टर ऑफ शिप्स बनने के पहले ये थी लेजेंडरी सी स्नेक कॉर्लिस वेलेरियन की कहानी। उसने पूरे दुनिया में एक अपना अलग ही दबदबा किया था। सो गाइज आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अब तक मैंने जो कॉर्लिस वेलेरियन का स्टोरी बताया वो तो बस 50% ऑफ द स्टोरी है। कॉर्लिस की अगली 50% ऑफ द स्टोरी हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देखेंगे ही और मैं भी कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते ही रहूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया के ऐसे और हजार वीडियोस बनाने का कंटेंट मेरे पास मौजूद है और अगर आपका सपोर्ट होगा तो ही उस कंटेंट पर मैं काम कर सकूंगा। सो दैट इज ऑल इन दिस वन। आई विल See you all in the next one. Bye and take care.